Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Kareem Khan and I am back with another grammar lecture video. Morpheme and its types. I hope you will be fine. You will be doing great and you will be enjoying your life. Dosto, aaj ke session mein hum baat karenge morpheme and its types ke upar. Ye hamara third lecture hai. Last lecture mein humne word ko define kiya tha and its function. In today's class we are going a bit advanced. Hum thoda advanced ja rahe hain taki hum word ko mazid samajhne ki कोशिश करें कि जो वर्ल्ड है वो किन प्रोसेस से निकल के एक वर्ल्ड बनता है. सो टुडेज़ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्फीम एंड इट्स टाइप्स. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास. मॉर्फीम, क्लास, व्हाट इज मॉर्फीम? मॉर्फोलॉजी आगे आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह हम डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे. लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स. एंड व्हाट इज मॉर्फीम? मॉर्फीम, सो द डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल unit of a language. The smallest meaningful unit of a language and it cannot be further divided. It cannot be further divided. इस डेफिनेशन के टू पार्ट्स है. द फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज इट मे बी या इट कैन बी, इट मे बी अ वर्ड or a part of a word, part of a word. So the definition is quite obvious. What is a morpheme? The smallest meaningful unit of a language. सबसे छोटा जो unit होता है language का उसे हम क्या कहते हैं? Morpheme. And it cannot be further divided. Let's suppose अगर आप इसको तोड़ना भी चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू डिवाइड दिस मॉर्फीम इन टू पार्ट, यू कैन नॉट डू दैट. यू डोंट हैव द अथॉरिटी बिकॉज इफ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हो, इट रिजल्ट्स इन मीनिंगलेस रिमाइंडर. तो इसके जो बाकी हिस्से होते हैं मीनिंगलेस, वो बेमानी होते हैं. रिमाइंडर इसका जो बाकी हिस्से हैं, अभी हम आगे इसकी डिफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. एंड द लास्ट, द थर्ड पार्ट, दे इट मे बी अ वर्ल्ड, एक पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है और अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, या वर्ल्ड का एक पार्ट भी हो सकते हैं. दे आर थ्री सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स फॉर यू. मीनिंगफुल यूनिट, यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर, एंड वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड. एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं क्लास. लेट सपोज मैं बोलता हूँ ड्रिंक. ड्रिंक इज अ कंप्लीट वर्ड. ये एक लफ्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फीम. क्यों? इसको लेट सपोज इफ यू वॉन्ट टू डिवाइड इट इन टू फर्दर सब स्मॉल यूनिट्स, यू कैन नॉट डू दैट. अगर आप ऐसा, लेट सपोज मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको डी आर आई एंड एन के, मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ड्राई और इंक का कोई भी मीनिंग नहीं है. ये दोनों जो है ये मीनिंगलेस है. क्या है क्लास? मीनिंगलेस. इसकी कोई मानी नहीं होती. इसको बोलते हैं मॉर्फीम, दैट यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू सब यूनिट्स. लेट सपोज अगर मैं दूसरा मिसाल ले लूं, स्लोली, दिस इज ऑल्सो वर्ड, बट आई कैन डिवाइड इट. मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं टू पार्ट्स में. वन इज स्लो
जो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरा मैंने इसको लिया ली। ली क्या है क्लास, एक सफेक्स है, प्लस एंड सफेक्स। क्लियर? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इट मे बी अ वर्ड, ये पूरा वर्ड भी हो सकता है, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो इसमें जो ये ली जो है हमारे पास क्या है, मॉर्फीम है। श्लोक को भी आप मॉर्फीम कह सकते हैं एंड ली को भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम है, ये बाउंड मॉर्फीम है। आगे अभी आपको थ्रू एग्जाम्पल हम इसको समझाएंगे, लेकिन आपके जहन में ये रहे कि मॉर्फीम इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। जो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हम इसके साथ लगाते हैं तो वो क्या है, मॉर्फीम है। लेकिन मॉर्फीम के लिए भी बात ज़रूरी है दैट इसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते। अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगी, मीनिंगलेस रिमाइंडर। आपके पास जो बाकी हिस्से बन जाएंगे वो मीनिंगलेस होंगे, उसकी कोई मानी नहीं होंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। लेट गो फर्दर एंड टू द टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। Types of morpheme. Class morpheme has two types. इसके दो हिस्से हैं, very simple. The first one is free morpheme. Free morpheme. Free morpheme. And bound morpheme. Class morpheme को आगे हमने two parts में, two groups में divide किया है। एक हम बोलते हैं free morpheme, एक हम बोलते हैं bound morpheme। नाम से clear है free morpheme जो है वो independent होता है, independent, independent word. Clear? And we can use free morpheme freely without any support of any word. For example, मैं बोलता हूँ table, chair, cook, speak, tall. ये क्या है class? ये free morpheme है. You can use them freely. They don't have any problem that without any support you can use them. इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, इसको बगैर आप किसी दूसरे prefixes, suffixes के बिना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको clear meaning provide करेंगे free morpheme. हमारे पास जो bound morpheme है, bound morpheme, I mean ये dependent है, डिपेंडेंट। नाम ही से पता चलता है बाउंड मीन दैट बाउंड टू समवन, किसी चीज का मोहताज है, डिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। लेट सपोज मैं बोलता हूं टीचर, तो इसमें जो टीच है ये हमारे पास फ्री है, कौन सा मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम। और जो हमारे पास ये टीच और जो इर है, इर, ई आर, ये हमारे पास क्या है, बाउंड मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम है। लेट सपोज मैं टीच को इससे मिटा लेता हूं और बाकी मेरे पास बन जाता है इर। सो इर डजंट हैव एनी मीनिंग, इसके अलोन वी कैन नॉट यूज इट, इसको और इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाउंड मॉर्फीम। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा मिसाल लेता हूं, मैं बोलता हूं इम्पॉसिबल, पॉसिबल जो मेरे पास है इसको हम रूट वर्ड भी कह सकते हैं, रूट वर्ड। ये हमारे पास कौन सा मॉर्फीम है क्लास, फ्री। और जो एम जो है ये कौन सा है, बाउंड मॉर्फीम। You understand? Let's suppose मैं दूसरा मिसाल ले लेता हूं, drinkable, drink, free and able जो है एक suffix है, ये क्या है, bound भी।
सो आई होप कि आपको ये इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम के दरमियान आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा कि फ्री वी कैन यूज दिम फ्रीली विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनीथिंग, अदरवाइज जो बाउंड मॉर्फीम है इसको आपने ये डिपेंडेंट है किस के ऊपर, फ्री मॉर्फीम के ऊपर। अगर फ्री मॉर्फीम नहीं है तो बाउंड मॉर्फीम की कोई मीनिंग कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वेरी क्लियर। अब इनके आगे मजीद इनके टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम की भी दो टाइप्स हैं और हमारे पास जो बाउंड मॉर्फीम है उसके भी दो टाइप्स हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। क्लास फ्री जो मॉर्फीम है फ्री, इट हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज लेक्सिकल एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर्ड। इसको हम ग्रामेटिकल भी बोलते हैं। इट हैज टू नेम्स, स्ट्रक्चर्ड और ग्रामेटिकल। फ्री मॉर्फीम हैज टू टाइप्स। फ्री मॉर्फीम को आगे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज लेक्सिकल एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड और ग्रामेटिकल। क्लास जो लेक्सिकल आप इसको दो नाम से हम और भी बुलाते हैं, पिक्चर, इसको हम बोलते हैं पिक्चर वर्ड्स और कॉन्टेंट वर्ड्स। आप ये जहन में रखें, जहन में आप ये रखें, मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद आसान करने की कोशिश करता हूं कि फ्री मॉर्फीम को आप एक दूसरा नाम दे, आप दूसरा नाम इसको आप दे वर्ल्ड क्लास, या जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये बात आपके लिए मजीद आसान हो जाएगी। फ्री मॉर्फीम किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, द होल एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वर्ल्ड क्लास एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर द नेम ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, द सेम थिंग। ये दोनों एक ही नाम है फ्री मॉर्फीम। इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को हम बोलते हैं लेक्सिकल, दूसरे को बोलते हैं ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चर। इस लेक्सिकल को हमने एक दूसरा नाम दिया है ओपन सिस्टम और ओपन क्लास। कौन क्या, एक लेक्सिकल की एक अलग उसकी एक नेम है ओपन क्लास, एंड स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दिया है क्लोज्ड क्लास, क्लोज क्लास। आपके पास वोकैबुलरी की वैरायटी जो है आप देख सकते हैं कि एक नेम के लिए हम मजीद कई नाम यूज कर सकते हैं, सो दिस कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड योर कॉग्निटिव लेवल। क्लास फ्री मॉर्फीम को दो पार्ट्स में, एक को बोलते हैं लेक्सिकल दूसरे को स्ट्रक्चर। लेक्सिकल का दूसरा नाम है ओपन क्लास एंड स्ट्रक्चर का नाम है क्लोज्ड क्लास। वेरी नाइस, वेरी सिंपल। अच्छा, अब लेक्सिकल मॉर्फीम कौन से होते हैं, ओ मॉर्फीम जिसको हम पिक्चर वर्ड्स बोलते हैं या कंटेंट वर्ड्स बोलते हैं। लेट सपोज मैं कोई नाम बोलता हूं स्काई, तो जब मैंने स्काई लफ्ज बोला तो मेरे सामने जो स्काई है ब्लू स्काई ऊंच दहाई, उसके अंदर लेट सपोज मून या स्टार, सारे एक पिक्चर बना मेरे आंखों के सामने, रिफ्लेक्शन शुरू हो गई। लेट सपोज स्काई, तो जो स्काई मेरे पास है ये क्या है, ये लेक्सिकल वर्ड है, क्योंकि या लेट सपोज क्लास में बोलते एप्पल, ए पी पी एल ई एडबल पी एल ई एप्पल, जब लेट सपोज मैं एप्पल की बात करता हूं तो मेरे सामने एक फ्रूट की एक फॉर्म एक शक्ल आ जाती है लाल रंग की ऐसे कोई ग्रीन कलर की, तो उसको मैं उसको पिक्चर टू पिक्चर जो है वो मेरी जो रिफ्लेक्शन करती है मेरे माइंड को। तो क्लास जो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं ये पिक्चर वर्ड्स भी, लेट सपोज मैं बात करता हूँ फ्लावर रोज, तो एक गुलाब एक उसकी खुशबू मेरे जो लाशूर में जो है वो कदम रख लेती है और एहसास तक हो जाता है। तो या लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बिरयानी चावल, तो
तो बस मुंह में पानी सा आ जाता है और बस बंदे का जी चाहता है कि अभी बिरयानी हो और मैं हूँ और बस उसको खाते रहें। तो पिक्चर वर्ड्स और कॉन्टेंट वर्ड्स। अच्छा ये कौन से वर्ड्स होते हैं क्लास? ये लेक्सिकल वर्ड जो हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड्स होते हैं? तो ये हमारे पास होते हैं नाउंस, क्लास नाउंस, एंड एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। इसको आप कहेंगे कि इसको ओपन क्लास क्यों कहते हैं? नेक्स्ट जो हमारा क्लास है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, उसके हम बात करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, मंथली, ईयरली नए नए जो नाउंस जो है वो क्रिएट होते हैं इंडस्ट्रीज में, कमर्शलाइजेशन में नए नए नाउंस डेवलप होते हैं। जब कोई नाउन फ्रेम होता है, डेवलप होता है, तो उसके लिए के एडजेक्टिव जो है वो भी उसके साथ उसकी ओरिजिन हो जाते हैं, उसके साथ जो वर्ब्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, इसमें ये दे आर फ्लैक्सीबल, दे आर डायनामिक, ये डायनामिक है इसमें। ये जो है लेट सपोज जब तक दुनिया है, नए नए नाउन्स और ये एडजेक्टिव्स और वर्ब्स एंड एडवर्ब्स ये जो हैं ये बनती रहेंगी, और ये जो डिक्शनरी है, जो पहले साइज है, वो बढ़ता जाएगा, इवन की वॉल्यूम तक चला जाएगा। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ओपन क्लास। और ये हमारे पास क्या है? पिक्चर वर्ड्स एंड कॉन्टेंट वर्ड्स। जो ग्रामेटिकल है, स्ट्रक्चर्ड है, देर आर फ्यू इंग्लिश के, जहाँ से इंग्लिश की स्टार्ट हुई है उससे लेके अभी तक हमारे पास वही प्रपोजिशंस हैं, एट, ऑन, एन, सारी यही चीजें बस वही तक है। और दूसरे बात हमारा कंजंक्शन है क्लास, एंड, बट, और, फॉर, येट, सो, द सेम, एंड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के अंदर भी जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल या इंडेफिनेट या इंटरोगेटिव, वही I, we, you, they, what, when, where, who, class, something, anything, few, both, one. तो ये हमारे पास क्या है क्लास? ये हमारे पास होते हैं structure class or close. Close mean कि they don't have any further growth. इसको हम बोलते हैं static class. You understand class? तो I hope कि आपको free morpheme की जो two times से lexical morpheme एंड स्ट्रक्चर मॉर्फिम उसकी आपको समझ आ चुकी होगी। नाउ क्लास लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज बाउंड मॉर्फिम। क्योंकि मॉर्फिम की मैंने आपको टू टाइम्स बताई थी, फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम। फ्री के पर मजीद दो टाइम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बाउंड मॉर्फिम। क्लास इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, इसकी भी दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेक्शनल, इन्फ्लेक्शनल एंड द सेकेंड इज डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल, क्लास इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर इन्फ्लेक्शनल्स एंड व्हाट आर डेरिवेशनल्स। क्लास इन्फ्लेक्शनल क्लास वो होते हैं द मॉर्फीम, लेकिन क्लास इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल के आगे से पहले आपको एक और कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है बाउंड मॉर्फीम के लिहाज से। क्लास बाउंड मॉर्फीम को अगर आप इंग्लिश ग्रामर में एक लफ्ज होता है एफेक्सेस, उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। क्लास क्या चीज एफेक्सेस मीन? व्हाट आर एफेक्सेस? अटैच्ड, अटैच्ड टू अ नाउन, अटैच्ड टू अ वर्ड, एक वर्ड से अटैच्ड एफेक्सेस। क्लियर क्लास? एफेक्सेस की फिर मजीद थ्री टाइप्स हमारे पास है क्लास। The first one is prefixes, prefixes and suffixes,
and anaphaxis. What are prefaxes? Pre mean before. वो प्रफेक्सेज या एफेक्सेज जिसको हम साबिक लाहिके बोलते हैं, बिफोर अ वर्ड, ये लफ्ज़ से रूट वर्ड से बिफोर अ रूट वर्ड, रूट वर्ड से पहले आते हैं. सफेक्सेज मीन आफ्टर अ रूट वर्ड, आफ्टर अ रूट वर्ड, ये रूट वर्ड के बाद आते हैं. एनफेक्सेज इन मिडल ऑफ, इन मिडल ऑफ रूट वर्ड, ये रूट वर्ड के दरमियान में आते हैं. लेट सपोज क्लास मेरे पास एक लफ्ज है, एक मेरे पास प्रीफिक्स है आई आर, और इसको मैं लगाता हूं इरेगुलर. मेरे पास जो रूट वर्ड है रेगुलर है, उससे पहले मैंने आई आर लगा दिया, मैंने इसको इरेगुलर कर दिया. क्लियर क्लास? तो ये इरेगुलर क्या, ये मेरे पास आई क्या है, आई ई क्या है, प्रीफिक्स, और ये रेगुलर क्या है क्लास, रूट वर्ड. Regular is the root of root, and IR जो है class prefix है. The same suffix is mean after word, after root word. Class, let's suppose मैं बोलता हूं education. Class, shun, TION, advancement, education. So the left, the near word is educate. आगे हमने उसके साथ आई ओ एन लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या है क्लास, सफिक्स, और ये एजुकेट क्या है, रूट. क्लास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें देख सकते हैं. हमारे पास जो एनफेक्सेस है, एनफेक्सेस मीन इन मिडल ऑफ वर्ड, ये किसी लफ्ज के दरमियान में आते हैं क्लास. एंड स्पेशली किस को रिमूव करने के लिए, जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसमें चेंजेस करते हैं प्लूरल में. लेट सपोज क्लास मैं आपको मिसाल देता हूं, हम इसको दो में यूज करते हैं, फॉर मेकिंग द प्लूरल ऑफ प्लूरल नाउंस के लिए एंड इररेगुलर वर्ब्स के लिए. फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास एक वर्ड है टूथ, या हम बोलते हैं टीथ, टीथ. इसको अगर हमने प्लूरल बनाना है तो इसको हम बोलते हैं टूथ, टूथ. तो बीच के जो दो वर्ड्स हैं क्लास, इसको क्या बोलते हैं, इनफेक्स. वेरी सिंपल. लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल, मैन, प्लूरल मैन, बीच में ई जो है क्लास, ये हमारे पास क्या है, इनफेक्स, इनफेक्सेस. माउस, माइसिस. क्लास वर्ब की अगर मिसाल ले लें, मैं बोलता हूं आर यू एन, रन, रेन. द फर्स्ट रन आर यू एन एंड द सेकंड आर ए एन, तो आर ई जो ए है क्लास, ये क्या है, इनफेक्स है. वेरी सिंपल. तो क्लास इसमें ये इसको बोलते हैं इनफेक्सेस. और ये आप जेन में रखें, जो बाउंड मॉर्फीम है ये सारे क्या होते हैं क्लास, इफेक्सेस. थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट, ये जो बाउंड मॉर्फीम है ये क्या होते हैं, इफेक्सेस होते हैं. मीन कि ये बाउंड बाउंड मॉर्फीम आपको प्रीफिक्स की शक्ल में भी आप इसको देख सकते हैं, सफेक्स की शक्ल में भी और इनफेक्स की शक्ल में भी. सो इसको आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी, जो बाउंड मॉर्फीम है दे आर लुक लाइक एंड दे आर इफेक्सेस एंड सफेक्सेस. अब इस दोनों को लाइट से टच करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. क्लास अभी हम जाके डिफाइन करेंगे व्हाट आर इनफ्लेक्शनल. इनफ्लेक्शनल, सो इनफ्लेक्शनल आर दोज वर्ड्स, वो लफ्ज़ हैं, क्योंकि मॉर्फीम तो वर्ड ही है ना क्लास. इनफ्लेक्शनल आर दोज वर्ड्स व्हेन यू ऐड सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, जब इनके साथ आप प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करोगे तो इनकी जो क्लास है, नो चेंज इन क्लास, नो चेंज इन क्लास, इसकी क्लास में चेंज नहीं आएगी. लेट सपोज अगर आपने एक नाउन के साथ कोई प्रीफिक्स इफेक्स लगा दिया तो नाउन की नाउन जो है वो भी नाउन होगी. लेट सपोज क्लास में मिसाल लेता हूं
चेयर, ये एक फ्री मॉर्फीम है। इसके साथ मैं दूसरा लफ्ज लगाता हूं चेयर्स, ये इसके साथ क्या है, ये एक हमारे पास क्या सफेक्स है ना क्लास, सफेक्स मीन जो वर्ड के बाद लगते हैं, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दे बोथ आर नाउन्स। तो ये इस बाउंड मॉर्फीम लगाने के बाद भी इसका क्लास चेंज नहीं हुआ, इसको हम क्या क्लास क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शनल बोलते हैं। दूसरा मैं आपको मिसाल देता हूं क्लास, फॉर एग्जांपल टॉल, ये तो नाउन होगा, ये टॉल, क्लास दे आर वेरी सिंपल, बट आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लास दूसरा मिल गया स्ट्रॉन्ग, मैंने माना स्ट्रॉन्गर, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी पॉजिटिव कंपैरेटिव, एंड थर्ड मैंने लगा लिया स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लास ER भी मेरा सफेक्स है, EST भी सफेक्स है। इन लफ्ज के साथ मैंने बाउंड मॉर्फिम लगा दिए, लेकिन तीनों के तीनों क्या रहे, एडजेक्टिव ही रहे, ना तो ये नाउन में चेंज हो गए ना वर्ब में चेंज हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लेक्शनल। लेट सपोज क्लास मैं आपको जो दूसरा इसका मैं बोलता हूं प्ले, वर्ब है प्लेज, प्लेइंग, प्लेड एंड प्लेड। क्लास फर्स्ट प्ले मेरे पास क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड प्लेज प्रेजेंट फॉर्म है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस मैंने लगा दिया, लेकिन दोनों वर्ब ही के वर्ब रहे। क्लास ING मैंने इसके प्ले के साथ लगा दिया, ये मेरा क्या है, सफिक्स है, लेकिन प्लेइंग मेरा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने इसका साथ ED लगा दिया ताकि मैं सेकंड फॉर्म इसकी बना दूं पास्ट फॉर्म, तब भी ये वर्ब ही है क्लास, एंड द सेम मैंने ED लगा दिया ताकि मैं इसकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को फ्रेम करूं। ये सारे क्या है क्लास, ये वर्ब्स हैं। तो ऐसे मॉर्फीम जो हम रूट वर्ड्स के साथ लगाते हैं और उसकी क्लास चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेक्शनल। वेरी सिंपल क्लास, आप कोशिश करें ताकि इस कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्लास डेरिवेशनल, व्हाट आर डेरिवेशनल, दे समटाइम्स वो ऐसे मॉर्फीम जो आप रूट वर्ड्स के साथ लगाते हैं एंड दे चेंज द क्लास। ये क्या क्लास क्या करते हैं, इसकी भी दो टाइम्स से मैं आपको इसकी जल्दी से ताकि आपको कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। क्लास डेरिवेशनल की भी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, क्लास टू, क्लास चेंजिंग एंड क्लास मेंटेनिंग। क्लास चेंजिंग एंड क्लास मेंटेनिंग, बाज मॉर्फीम ऐसे होते हैं कि उसके साथ क्लास चेंज हो जाती है। बाज मॉर्फीम हम लगाते हैं, बाउंड मॉर्फीम लगाते हैं, लेकिन उसके साथ क्लास चेंज नहीं होती। क्लास में आपको यही मैंने बोलता हूं स्पीक, स्पीक, इसके साथ मैं मॉर्फीम लगाता हूं ER, सॉरी क्लास, लेट सपोज स्पीक एंड प्लस ER, तो अब क्या बना, स्पीकर। क्लास ये स्पीक जो है ये वर्ब है, ER मैंने लगा दिया तो ये क्या बना, नाउन बना। तो ये यहां पे क्लास क्या हुआ, चेंज हुआ, वर्ब से नाउन की तरफ हम चले गए क्लास। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लास चेंजिंग, ये डेरिवेशनल में क्लास चेंजिंग मॉर्फीम है। या क्लास लेट सपोज मैं बात करता हूं अनाउंस, इसके साथ जस्ट R आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, अनाउंसर। तो क्या हुआ क्लास, ये आप ये दिस वन वॉज वर्ब एंड दिस इज नाउन, क्लियर क्लास। मैं बोलता मैनेज,
मैनेज, इसके साथ में लगा तो मेंट, मैनेजमेंट, तो क्लास नाउन से क्या बना, वर्ब से क्या बना, नाउन बना आपका। तो ये डेरिवेशनल में इसको क्या बोलते हैं, ये डेरिवेशनल टू टाइप्स के होते हैं, क्लास चेंजिंग, तो ये क्लास चेंज वाले थे, क्लियर, क्लास एडवांसमेंट, मैनेजमेंट, हैरेसमेंट, बहुत सारे क्लास आपके पास लागू ऐसे वर्ड्स हैं। क्लास मेंटेनिंग, क्लास मेंटेनिंग ऐसे होते हैं कि उसके साथ तो आप वर्ड्स लगाते हैं लेकिन फिर भी वो क्लास को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, चेंज नहीं करते। लेट सपोज क्लास एम ए एन, मैन, इसके साथ मैंने लफ्ज लगा हुड, तो क्या बना, मैनहुड, मर्दानगी, मैनहुड। तो क्लास मैन जो है वो भी नाउन है, मैनहुड वो भी नाउन है। मैन हमारे पास क्या है, एक कॉमन नाउन है, मैनहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लास यूनिसन चाइल्ड, चाइल्डहुड, ब्रेव, इसके साथ में क्लास मैंने कहा आर वाई। आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।